सकते हो मनी बैंकिंग का क्वेश्चन नंबर दो का आंसर आपको अभी दिखा दे रहे। आप लोग क्वेश्चन नंबर दो का आंसर लिख ले, पेपर कोड आप लोग मिला लीजिए 122-75-303 है। लास्ट में क्वेश्चन नंबर दो का आंसर आपको दिखा दे रहे, ए लॉन्ग कॉल पोजीशन। चलिए सबसे पहले आप लोग आंसर लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर दो का। गाइस क्वेश्चन नंबर दो का आंसर आपका यहां से होगा व्हाट इज ए लॉन्ग पोजीशन। दोस्तों आप लोग लॉन्ग पोजीशन वाला क्वेश्चन दो का आंसर लिख ले सबसे पहले, जितने भी स्टूडेंट है। द टर्म लॉन्ग पोजीशन आप लोग यहाँ से आंसर लिखते जाइए, जो जो नए स्टूडेंट हो आप लोग आंसर लिखते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, लाल बटन को अभी दबा दे और आंसर अपना लिख दीजिए। दोस्तों ए लॉन्ग पोजीशन रेफर टू द परचेस, ये सब आपका क्वेश्चन नंबर दो का आंसर है। आप लोग क्वेश्चन नंबर दो का आंसर देख सकते हो, यहाँ से भी है। गाइज आपको बता दूं कि मनी बैंकिंग का क्वेश्चन नंबर दो का आंसर आप सभी लिख ले, द टर्म लॉन्ग पोजीशन इज द ऑफ्टन, सभी आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो का आंसर मनी बैंकिंग का आप लोग का आंसर टाइप ऑफ लॉन्ग पोजीशन, आप लोग आंसर लिख सकते हो आसानी से। लॉन्ग पोजीशन भी लिखना है, होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट भी लिखना है। दोस्तों जितने भी स्टूडेंट आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके क्वेश्चन नंबर दो मनी एंड बैंकिंग का आंसर लिख ले, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत टाइम है। मनी बैंकिंग का आप लोग आंसर लिख सकते हो। दोस्तों लॉन्ग पोजिशन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपको ये भी लिखना है, आराम से लिखते जाइए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर दो का आंसर आप लोग लिख लीजिए जितने भी स्टूडेंट हो नए। क्वेश्चन नंबर दो का आंसर आप लोग लिख सकते हो, ये सभी आपका होगा क्वेश्चन नंबर दो, सभी आंसर आप लोग आसानी से लिखे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितने भी है सबका आंसर मिल जाएगा, पांच का भी आंसर हो चुका है, एक का भी आंसर हो चुका है, दो का और एक का बी का रह गया है। दोस्तों दो का आंसर पूरे लिखे। ये दो का आपका आंसर, हाउ इज द लॉन्ग डिफरेंट फॉर्म शॉर्ट, देख सकते हो आप लोग, सब आपको लिखना है कंप्लीटली सब सभी लिख लीजिए जितने भी स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके।